मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गुरुवार को अवैध टैक्सी स्टैंडों को लेकर दिए गए फरमान पर अमल शुरू हो गया है। शुक्रवार सुबह ही डीएम नीतीश कुमार खुद बुलडोजर और अफसरों को लेकर निकले। सबसे पहले प्रशासन की गाज जिला कारागार के पीछे स्थित अवैध टैक्सी स्टैंड पर गिरी। बुलडोजर के जरिए अवैध टैक्सी स्टैंड को हटाया जा रहा है। डीएम ने बताया कि यहां नगर निगम द्वारा एक बड़ा पार्किंग स्थल बनाए जाने की योजना है। उन्होंने बताया कि इसके लिए निर्देश दे दिए हैं। यहां काफी जगह है और करीब 400 से 500 गाड़ियों का पार्किंग स्थल बनाया जा सकता है। डीएम ने बताया कि सभी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। जहां अतिक्रमण है उन्हें भी चिन्हित कर हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सभी जिलों के डीएम एसपी को निर्देशित किया था कि 48 घंटे के अंदर अवैध टैक्सी स्टैंड और राजमार्ग पर खड़े होने वाले बड़े वाहन हट जाने चाहिए। देखिए, ये जेल और जीआईसी के बीच का एरिया है और इसको हम लोग पार्किंग के लिए इसका नगर निगम के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। इसमें कुछ इंक्रोचमेंट हुए हैं, उसको हटाया जा रहा है और इसमें एक बड़ा पार्किंग क्षेत्र बनाया जाएगा। यहाँ लगभग 700-800 बसेज वहाँ यहाँ लगा सकते हैं, तो जो शहर में जो जाम की समस्या है उससे निजात मिलेगी हम लोग को, और इसलिए ये पूरा इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। ये सब कितने दिनों तक चलेगा? ये जब तक इसका पूरा इसका कंस्ट्रक्शन भी है, हम लोगों ने प्रपोज़ किया है, नगर निगम इसका कंस्ट्रक्शन करेगा और इसको पूरे एरिया को हम लोग जब तक समाप्त नहीं होता तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी और इसमें कंस्ट्रक्शन भी होंगे और पूरे क्षेत्र को डिलिमिटेशन किया जाएगा और बेहतर बनाया जाएगा इसको। बाधा होगा तो फिर हम लोग संवाद कायम करके भी देखेंगे उसको, आगे की ओर बढ़ेंगे, लेकिन ये शहर के लिए सबसे यूज़फुल जगह है और यहाँ पार्किंग का व्यापक व्यवस्था की जाएगी और नगर निगम इसके लिए पूरी तरह तैयार है और बड़े स्तर पे पार्किंग का आप देख रहे होंगे, इतना बड़ा स्पेस है और इसको पार्किंग के लिए आयोजन के संदर्भ में पार्किंग के लिए यूज़ किया जाएगा, तो ये काफ़ी बड़े और इसका लैंडस्केपिंग भी कुछ एरिया में किया जाएगा। सर, कल आपने नहीं, देखिए हम लोग का ये है कि अभी प्रोजेक्ट्स को गति दिया जाए, तेज़ गति से प्रोजेक्ट्स कराए जाए और जो कार्यदायी संस्था को है ज़मीन चिन्हित करके सब दिया जाए, जितना मैक्सिमम ज़मीन जो हमारी ज़मीन है अगर उसमें इंक्रोचमेंट है तो उसको विधिवत तरीके से हम लोग हटा रहे हैं और प्रयास ये किया जा रहा है कि बरसात के पहले जो खुदाई का कार्य है वो संपन्न कराया जाए और प्रोजेक्ट को तीव्र गति से संचालित किया जाए। इसी क्रम में हम लोग गुप्तार घाट के पास पार्किंग का भी पार्किंग प्लस लैंडस्केपिंग कर रहे हैं, वहाँ बच्चों के लिए पार्क भी बनेगा जो एडीए बनाएगा उसको। इस तरह की पूरी परियोजनाओं को त्वरित गति से करने के लिए प्रयास किया जा रहा है।